नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द चारवक पॉडकास्ट। सो आज हम बात करने वाले हैं पंजाब के ऊपर, पंजाब की पार्टीशन, और मेरे साथ इस पर आज का फोकस एक यूनिक किस्म का होगा। हम एक बुक को अपना सेंट्रीफ्यूगल फोकस रखेंगे। बुक है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड बाय डॉक्टर इश्तियाक अहमद, और साथ में ताहिर भाई भी हैं। सो ताहिर भाई, डॉक्टर अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं पर्सनली आपको एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत रेयरली किसी बुक को पढ़ के इतना डिस्टर्ब हुआ था, मगर इस बुक को पढ़ के, एंड आई नो दैट वाज द एम ऑफ द बुक टू लेट पीपल नो व्हाट रियली हैपेंड, बट आई वांट टू बिगिन बाय सेइंग दैट दिस वाज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग रीड्स मैंने मेरी लाइफ में पढ़ी होंगी। जब मैं जब धीरे धीरे, और ये बुक मैं कम से कम 3 बार पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मेरे को हर टाइम मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे मैं ये टेस्टिमोनी भूल गया था, तो कोई दूसरी टेस्टिमोनी आती है। तो मे बी आई विल स्टार्ट एट दिस, एज समवन हु इज एथनिकली पंजाबी फ्रॉम पाकिस्तान, हु हैज, आपका 1947 में जन्म हुआ जी, तो जब आप इसकी रिसर्च कर रहे थे, हाउ डिड यू फील? इस बात का जवाब देते हुए ऐसे है कि सच्ची बात बता दूं कि जब कभी हिंदू या सिख बता रहे थे अपने दुख की कहानी, तो आई इवन फेल्ट गिल्टी बीइंग बाय बर्थ मुस्लिम। लगता था कि यार मेरे लोगों ने इतना जुल्म किया। और जब कोई मुसलमानों की स्टोरी आती थी तो एक और किस्म का दुख मुझे महसूस होता था, गिल्ट नहीं लेकिन गिल्ट, जब मुझे हिंदू और सिख अपनी स्टोरी बताते थे। तो ये एक फ़र्क है। एज ए पंजाबी, द फैक्ट दैट आई एम बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, लाहौर के हम रहने वाले हैं, तो क्या हिंदुओं और सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, क्या उसमें किसी तरीके से मेरे पे भी ब्लेम आता है या नहीं आता? इंटरव्यू करते हुए आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल। लेकिन जो मैंने बाद में अपने साथ दिल में कसम खाई थी कि सच को मैंने छुपाना नहीं है, जो भी हुआ है वो हकीकत को हमने लेके आना है, क्योंकि ये मेरी अपनी जो सोच है, फ़लसफ़ा ये है कि सारी इंसानियत बेसिकली एक है, उसके कई रूप हैं। तो ये इत्तफाक है कि कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है। तो अगर तुम्हें मौका मिला है इस ट्रेजेडी पे रिसर्च करने का और लिखने का, तो जितनी भी तुम्हारे अंदर काबिलियत है ना ऑनेस्ट होने की, वो पूरी करो। तो दैट्स हाउ आई फेल्ट। तो ताहिर भाई, एक्चुअली आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। ऑब्वियसली डॉक्टर अहमद इज स्लाइटली एल्डर टू यू, मगर आपका जन्म 60s का आपने जैसे बात किया था, तो सो हाउ वाज द एटमॉस्फेयर इन 60s पंजाब, 70s पंजाब ऑन द पाकिस्तान साइड? एंड मतलब जब पार्टीशन की बात होती थी या ये सब डिस्कशन होते हैं, तो उसमें क्या आउटलुक क्या होता है? जब एक, मुझे इंडिया का पर्सपेक्टिव मालूम है, मेरी इमीडिएट फैमिली आज भी अमृतसर में है। इट इज़ अ वेरी मिक्स्ड रिएक्शन। मैं आपको ऑनेस्ट बोलूँ, एंगर बहुत आता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट मिंस माई वर्ड्स। बहुत एंगर आता है पंजाबी साइड इंडिया की, बहुत गुस्सा बहुत आता है, मगर साथ में रोते भी हैं। अच्छा, भड़कते भड़कते रोना भी शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान साइड में क्या होता था? देखिए, आपने बड़ी अहम बात कही। आपने कहा कि भारत में पंजाब हो या दिल्ली में रहने वाले पंजाबी हों, मैं भी जब भारत जाता हूं तो महसूस करता हूं, जो भारतीय लोग हमारे इधर कैनेडा में रहते हैं, ख़ासतौर पर पंजाबी बैकग्राउंड के, वो बड़े दर्द से याद करते हैं, और उनका जो नॉस्टैल्जिया है वो बड़ा दर्द भरा है। ऑन द अदर हैंड, आपने मुझसे पूछा पाकिस्तान में उसके बारे में क्या है। मैं रियलिटी ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में मैंने कसूर लाहौर में ग्रो अप किया, उन 2 शहरों में। वहाँ तो जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे वो तो आज़ादी की शादियाने बजाते थे, खुशी की बातें करते थे, देखिए देखिए जनाब हम तो आज़ाद हो गए, कितनी कुर्बानियों के बाद हमने देश हासिल किया। अच्छा, जब मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री को अपने टीम में ही थोड़ा सा इम्पार्शियल तरीके से पढ़ना शुरू किया, तो मेरे मन में क्वेश्चन होता था, मैं पूछता था अपने पेरेंट्स से भी, अपने अंकल आंटियों से भी, कि भाई कौन सी कुर्बानियाँ दी थी आपने? क्योंकि जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मुझे तो ये पता था, कुर्बानियाँ तो सब मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों की कलेक्टिव थी अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए। मैं नहीं जान सका था तब, या तब तक मेरी ऐसी किताबों तक एक्सेस नहीं थी जो मुझे बताती कि कोई कुर्बानियाँ दी थी इन्होंने पाकिस्तान के बनाने के लिए, सिवाय एक ब्लड शेड के। अच्छा, ब्लड शेड भी हुआ जो मतलब हम, अब ब्लड शेड का मेरे पास उस एज में हिस्ट्री नहीं था, सोर्स लिटरेचर था। सादत हसन मंटो की कहानियाँ थी, अहमद नदीम कासमी की कहानियाँ थी, राजेंद्र सिंह बेदी की कहानियाँ थी, कृष्ण चंद्र की कहानियाँ थी, रामलाल की कहानियाँ थी। तो मैं मतलब अपने 15-16 साल में हिस्ट्री का कोई कीन स्टूडेंट नहीं था, वो तो बाद में बना। मैं तो लिटरेचर का स्टूडेंट था, या लिटरेचर पढ़ने का मुझे शौक़ था, तो मुझे तो ये वहाँ से मिल रहा था। लेकिन मुझे ये जब मैंने, मुझे याद है कि 16-17 साल का होऊंगा जब मैंने टोबा टेक सिंह पढ़ा, तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट तब नहीं कर सका, क्योंकि हमारे तरफ तो पंजाब या पाकिस्तान बनाने के जश्न ही मनाए जाते थे। तो अब जश्न मनाने की फ़ज़ा में कैसे मैं फ़ील करता कि कोई इधर सौरो है या इधर कोई दुख है। ऑन द अदर हैंड, जब मैं बहुत बाद में, जब मैंने भारत जाना शुरू किया, मतलब वो तो मैंने रिसेंटली शुरू किया 2014-15 से, मैं जब तक पाकिस्तान में था मैं आई नेवर वेंट टू इंडिया। ओह दैट्स फैसिनेटिंग, यू नो कि डॉक्टर अहमद एज अ स्कॉलर हैज गॉन टू इंडिया सो मेनी टाइम्स। अच्छा, मुझे तो मतलब मुझे चांस ही नहीं मिला इंडिया जाने का। मैंने तो इंडिया यहाँ से आकर जाना शुरू किया जब मैंने अपने आप को ट्रूली कोट ऑन कोट इंडिपेंडेंट महसूस किया कि मैं कैनेडियन हूँ, अब तो मैं फुल फ्लेज कैनेडियन हूँ, आई मस्ट गो विजिट इंडिया। तो इवन इन दैट लेट पार्ट ऑफ माई लाइफ, और वैसे ही पार्टीशन को जब 2015 के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो 70 साल के करीब का समय हो चुका था। तो जब मैं आज भी भारत जाता हूँ तो दिल्ली में इस बात की खुशी नहीं है कि पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया, या अमृतसर में इस बात की खुशी नहीं है कि पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। वहाँ तो आज भी रोना पीटना है, नस्लों से चला आ रहा है, हमारे लोग मारे गए, हमारी धरती छिन गई। मगर जब मैं इधर रहता था पाकिस्तान में, अब मैं पाकिस्तान नहीं रहता हूँ तो इंटरनेट की वजह से 24 घंटे राब्ते में हूँ, वहाँ से तो मुझे उनकी तमाम तर मिजरीज़ के बावजूद उस समाज की में वो इस बात पे बड़ी खुशी है, देखा हम हिंदुस्तान से अलग हो गए, हमने कुर्बानियों के बाद देश बना लिया। अब आज के भी कई ऐसे बच्चे कह रहे हैं जो 6ठी-7वीं जनरेशन के बच्चे होंगे जिनका कोई लेना देना ही नहीं है उन कुर्बानियों से। तो ये एक माइंड सेट ट्रैवल हुआ। तो आपने जो प्रिसाइजली पूछा कि भाई वो पाकिस्तान में कैसे महसूस किया जाता है उस पार्टीशन के दुख को, आई मीन पाकिस्तानी पंजाब के साइड में, तो वो दो उसमें एलिमेंट मुझे समझ आते हैं, दो परसेप्शन में। जो कुर्बानियों के बाद हमने देश लिया, सेकेंडली बहुत ही अच्छा हो गया, जश्न मनाओ। भारत में कोई ऐसा तासर नहीं है, वो उल्टा है तासर। सो डॉक्टर अहमद, आपकी बुक में एक सेक्शन है जिसमें आप कहते हैं हाउ मेनी फैटालिटीज। आई वांट टू रीड दैट बिट, ओके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक फैक्ट्स शुड कम आउट। ठीक है। सो देयर यू से सर पेंडरल मून, अ वेटरन ऑफ मेनी इयर्स ऑफ सर्विस इन पंजाब, नोटेड दैट मोर मुस्लिम्स पेरिश्ड एज कंपेयर्ड टू हिंदूज एंड सिख्स पुट टुगेदर. G.D. Khosla, who collected data on the Punjab riots, mainly narrating the Hindu-Sikh suffering, also considered that more Muslims could have died as a result of Hindu-Sikh retaliation against Muslim violence at the earlier stages of the communal violence. And then you directly quote him, and this is very important. I want to read this quote in its entirety. The loss of Muslim life was not less than the loss of non-Muslim life in West Punjab. Indeed, there are many who boast that the total number of Muslims killed was far more than the number of Hindus and Sikhs who perished in West Punjab, though the latter suffered greater losses in property. It must, however, be remembered that the attacks on the Muslims were a way of retaliation and began only after several months of determined and sustained effort to drive the non-Muslims out of West Punjab. You're quoting Khosla over here. Ji. Now, ये सिलसिला शुरू कहाँ होता है, ये जो अटैक ऑन नॉन मुस्लिम्स है? व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ दैट? व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ दैट? फाउंडेशन की थोड़ी सी क्रोनोलॉजी मैं लेके चलता हूँ प्लीज, कि देखें पंजाब से बाहर जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए प्लीज। डायरेक्ट एक्शन की कॉल देते हैं मिस्टर जिन्ना ऑन द 29th of July. अब ये भी एक सवाल है जो मैंने किताब में, जिन्ना अली किताब में इसको थोड़ा सा मेंशन किया है, डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट हूम. यानी कहा गया कि ये अंग्रेज़ों ने जो इंटरिम गवर्नमेंट का ऐलान किया है उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन जो एविडेंस है इन्होंने वो सारा, चीफ मिनिस्टर तो उस ज़माने में के बंगाल के मुस्लिम लीग के थे सोहरवर्दी. अच्छा, वेरी गुड पॉइंट. हाँ, और सोहरवर्दी ने 3 दिन की छुट्टी दे दी इनके लिए कि ये मुस्लिम लीगी जो आ रहे हैं, तो पहले 2-3 दिन मुस्लिम लीगी गुंडों ने आके वहाँ पे ख़ास तौर पर रन डाउन हिंदू लोकेलिटीज़ को जलाया, लूटा, मारवाड़ियों की दुकानें लूटी, जो भी उनके हाथ चढ़ा. जो ज़रा बेहतर लोकेलिटीज़ थी वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन होती है तो उधर नहीं गए, तो इन्होंने पहले 2-3 दिन मुसलमानों की तरफ से मुस्लिम लीग के गुंडों ने ये किया, और चीफ मिनिस्टर वाज ऑफ द मुस्लिम लीग. तो डायरेक्ट एक्शन एक सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं था, इट वाज जस्ट डायरेक्ट एक्शन टू डिस्टेबलाइज द होल सिस्टम ऑफ निगोशिएशंस इंटरिम गवर्नमेंट के ऐलान के बाद. ठीक है, वहाँ से हम जो वहाँ पे कोई 3-4-5 दिन के अंदर 10,000 लोग मारे गए हैं. ब्रिटिश रिकॉर्ड शो अ लेसर नंबर, वो हमेशा ही होता है, गवर्नमेंट्स नेवर गिव द रियल नंबर. लेकिन जितने भी लोग मारे गए उनमें से क्योंकि मुसलमान सिर्फ 23% थे कलकत्ता में, द रेस्ट वर हिंदूज एंड सम सिख्स, तो रिटेलिएशन में फिर मुसलमान भी बहुत मारे गए होंगे. अब कितनी बॉडी काउंट का भी वहाँ मसला है, बट व्हाट वी कैन से इज़ कि जिन्ना की डायरेक्ट एक्शन कॉल के बाद द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स इन द सब कॉन्टिनेंट वॉज चेंज्ड इरिवर्सिबली. इसके बाद नोआखाली में हिंदुओं पे हमले हुए, जहाँ पे महात्मा गांधी गए और उन्होंने कोशिश की कि वो रोका जाए, उन पे गंद भी फेंका गया, उन पे रोड़े मारे गए. लेकिन सोहरावर्दी बाय दैट टाइम हिमसेल्फ वाज शेकन, उसको गांधी जी ने साथ रखा. अच्छा, इसके बाद ये जो है कम्युनल राइट्स जो हैं बॉम्बे में हुए, बॉम्बे के बाद ये यूपी के अंदर एक हुए, लेकिन वो कम्युनल नहीं थे, वो काओ क्या कहते हैं, काओ स्लॉटर के ऊपर इशू बन गया था, बट चेन वही है. तो यहाँ से होते हुए दिसंबर 1946 में हिंदू और सिख जो थे ना, हज़ारा, हरीपुर हज़ारा डिस्ट्रिक्ट जो आज खैबर पख्तूनख्वा है, उसके अंदर कई हज़ार हिंदू और सिखों को मुस्लिम लीगी गुंडों ने मारा. यहाँ से ये लोग भाग के रावलपिंडी में आए. जब ये हुआ तो पंजाब के जो उस ज़माने में चीफ मिनिस्टर थे सर खिज़र हयात टिवाना, एक इंतहाई सेकुलर और जेन्युइन किस्म के आदमी थे. उन्होंने कहा कि ये पंजाब में भी वायरस ना आ जाए, तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन फिर जिन्ना साहब ने 24 जनवरी 1947 को पंजाब में भी करवाया. तो ही देन सेंट द पुलिस, जिन्होंने मुस्लिम लीग के हेडक्वार्टर को रेड किया और आरएसएस के किया. लेकिन हुआ ये कि उसके बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का नारा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेके रहेंगे हिंदुस्तान जैसे लिया, लेके रहेंगे पाकिस्तान जैसे लिया था हिंदुस्तान, और इस किस्म के एक्सट्रीम नारे. और बेचारे खिज़र हयात टिवाना के ख़िलाफ़ इंतहाई बदतमीज़ स्लोगन्स, अगर आप इजाज़त दें तो मैं रिपीट कर दूँ, खिज़र कुत्ता हाय हाय, खिज़र दल्ला हाय हाय, खिज़र कुत्ता अपनी माँ नाल सुत्ता, बाप रे. हाँ, और ये भी कहा कि चलो भी चलो एक चीज़ मिलेगी, क्या भाई क्या, खिज़र की बेटी, वाह भाई वाह. और ये चीफ मिनिस्टर बेचारे जो हैं वो सुनते रहे. इंटरेस्टिंग है कि ये एजिटेशन 24 जनवरी को शुरू हुई और 26 फरवरी तक ये चलती रही. उस पर खिज़र ने पुलिस को नहीं दिया हुक्म कि आप गोली चला दें. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो मुस्लिम लीगी गुंडागर्दी पे कोई गोली नहीं चली. लेकिन 26 को जब एग्रीमेंट हो गई कि अब ये एजिटेशन मुस्लिम लीग कॉल ऑफ कर लेगी और जितने भी लोग अरेस्टेड हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे, तो उससे पहले 20 फरवरी को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने अनाउंस किया कि बाय 20 फरवरी वी विल हैंड ओवर पावर टू इंडियंस। 20 जून 1948 में वी विल, ये 20 फरवरी को अनाउंसमेंट हुई थी। तो सर खिजर जिनको इतनी गालियाँ और ये सारा हो चुका था, ही वॉज डीमोरलाइज बिकॉज खिजर एंड द पंजाब यूनिस्ट पार्टी वर लॉयलिस्ट। वो ब्रिटिश हुकूमत को पंजाब के लिए अच्छा समझते थे, लेकिन वो इंटर कम्यूनल थे। पंजाब यूनिस्ट पार्टी की हुकूमत में हिंदू, मुस्लिम और सिख होते थे। मसलन एक मिसाल मैंने वहाँ पे कोट की है कि सर मनोहर लाल वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, और कहा जाता है कि उनके बेटे जब वो मिनिस्टर बने थे बैंक में काम करते थे। व्हेन ही लेफ्ट द मिनिस्ट्री हिज सन वॉज स्टिल होल्डिंग द सेम पोजीशन, कोई उन्होंने उसकी प्रमोशन नहीं करवाई, इतने वो अच्छे लोग थे। लेकिन इन्होंने गालियाँ गोलियाँ दे के डीमोरलाइज कर दिया। तो 2 मार्च को फिर सर खिजर ने रिज़ाइन कर दिया। वो हुकूमत जो बनी थी पंजाब के अंदर आफ्टर द 1945-46 इलेक्शन, उसमें पंजाब यूनिस्ट पार्टी के 10 से 12 मेंबर्स थे, 50 मेंबर कांग्रेस के थे और सिखों के 23 मेंबर थे, और दे कुड फॉर्म अ मेजॉरिटी इन अ हाउस ऑफ 175। लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा हम इस हुकूमत को मारते ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी तो पार्लियामेंट के अंदर जो है पंजाब की वो मुस्लिम लीग है। बट दे डिडंट हैव द मेजॉरिटी, दे हैड 75 विच वॉज लेस दैन 84 या जो चाहिए थी। तो ये मिनिस्ट्री नहीं बना सके, इन्होंने वहाँ पे एजिटेशन जिन्ना साहब ने करवाई। उसके बाद 2 को रिज़ाइन करते हैं खिजर टिवाना, 3 तारीख को मास्टर तारा सिंह जो हैं वो पंजाब असम्बली के बाहर आके कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। उसकी 2 वर्शन है कि उन्होंने वो किरपान निकाल के किया, और कई लोगों ने कहा है हमने देखा भी है, मैंने वो भी दे दिया। लेकिन द लेटेस्ट सिख पोजीशन इज़ के किरपान उन्होंने नहीं थी निकाली, लेकिन आई हैव सीन सम सिख्स शोइंग कि ये वो किरपान है जो उन्होंने निकाली थी। तो इस किस्म की स्टोरीज चलती रहती हैं, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। उन्होंने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर ये हमारे साथ ये सलूक होना है तो ऐसे पाकिस्तान में हम कैसे रहेंगे। तो 4 तारीख को फिर लाहौर के अंदर हिंदू और सिख स्टूडेंट जो हैं डीएवी कॉलेज से वो बाहर आए जी, अपना गोलबाग के अंदर जो आज उसे नासिर बाग कहा जाता है, और पहले दिन ही पुलिस ने उस पर गोली चला दी और कोई 7-8 ये यंगस्टर्स को मार दिया। उनमें से एक की बहन का इंटरव्यू भी है मेरी किताब में, आई मेट हर इन दिल्ली। हाँ जी। इसके बाद बाय द आफ्टरनून लाहौर के अंदरून शहर में चाकू छुरी आग लगा देना, क्रूड बॉम्ब चला देना ये आम हो गया। हिंदू और सिखों के इलाके में कोई मुसलमान आ गया तो वो फंस गया, मुसलमानों के इलाकों में कोई हिंदू सिख है तो उसको इन्होंने नहीं छोड़ा। बाई द इवनिंग ऑफ द 4th कुछ लोग हमेशा आके काम करते थे अमृतसर से लाहौर में, जब वो वापस गए तो हाल बाज़ार के अंदर पहली टक्कर हुई है, उसके बाद चल सचल और भी इलाकों में अमृतसर के शुरू हो गई। 5 को मुल्तान के अंदर मुस्लिम लीग के गुंडों ने वहाँ पे हमला किया और एक सिख को मार दिया, और उसके बाद कोई 200-300 सिख इन्होंने मार दिए, हिंदू मार दिए वहाँ पे। देयर वाज नॉट मैनी सिख्स। 5 ही तारीख को रावलपिंडी में ये कम्युनल राइट्स शुरू हुए, और वहाँ पे फिर 6 की शाम से लेके 13 की सुबह तक देयर वाज अ रेगुलर स्लॉटर ऑफ मेनली सिख्स बट ऑल्सो हिंदूज इन द विलेजेस ऑफ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट। उसमें गुज्जर खान भी आ जाता है, उसमें जेलम भी आ जाता है, उसमें कैम्बलपुर जिसे अब अटक कहते हैं, एंड रावलपिंडी के इर्द गिर्द शहर। मैंने वहाँ पे जाके रिसर्च भी की है और वहाँ पे स्टोरीज भी ली हैं। तो मार्च को मेरी पंजाब जो किताब का टाइटल है द पंजाब ब्लडीड, दैट इज़ मार्च 1947 पार्टीशनड, दैट इज़ व्हेन माउंटबेटन टेक्स ओवर एज द लास्ट वाइसरॉय, और 3 जून पार्टीशन प्लान, 18th July 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, एंड देन 14th, 15th को पाकिस्तान और इंडिया की, और 17th को जो है वो रेडक्लिफ अवार्ड इज़ मेड पब्लिक, और उसमें ये हुआ कि ये कहते हैं ना कि कुर्बानियाँ दी, मैं कहता हूँ इन्होंने लोग मरवाए हैं। कुर्बानी तो होती है कि मैं वॉलंटरली जाके अपनी जान दे दूँ, ये थोड़ी है कि अपने घर सहमा बैठा हूँ तो मेरे पे कोई एक मॉब आता है और मुझे मार देता है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाबियों के साथ जो जुल्म हुआ उसमें एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। उसमें एक मजबूरी उनकी ये भी थी कि जब तक रेडक्लिफ अवार्ड नहीं था आया तो दोनों तरफ का ख्याल था कि जो उधर के इलाके हैं वो हमें मिलेंगे। कांग्रेस और सिखों की जो लीडर्स थे और इनके जो काउंसिल से जो पंजाब बाउंड्री कमीशन के सामने आए वो सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, लायलपुर और मंडगुमरी मांग रहे थे। और इधर से जो ये थे अपना मुस्लिम लीग की तरफ से वो कहते थे ये सारे मुस्लिम मेजॉरिटी शहर हैं, और इन्होंने कहा कि हम तहसीलों की ज़रिए जाते जाते तो लुधियाने तक पहुंच गए थे कि वो भी पाकिस्तान के अंदर हों। तो अनटिल द 70 नोबडी न्यू कि कौन कहाँ है, और हिंदुओं और सिखों को यकीन था कि लाहौर तो हमें मिल ही मिलेगा। इधर से मुस्लिम लीग ने कहा हुआ था कि अगर अमृतसर पाकिस्तान में ना आया तो पाकिस्तान इज़ इनकम्प्लीट, बट अमृतसर एंडेड अप विथ इंडिया एंड लाहौर विथ पाकिस्तान। और फिर जब मिलियंस ऑफ पीपल वर ऑन द रॉन्ग साइड, फिर जो दोनों तरफ से एडमिनिस्ट्रेशंस ने मिल के कत्लेआम करवाया है उसका रिकॉर्ड गैस चैम्बर के अंदर जो जूस में हुआ है ना ओवर 5 ईयर्स, अगर आप फिगर देख लें अकॉर्डिंग टू सर एवन जेंकिंस द लास्ट गवर्नर 4 अगस्त 1947 तक 5,200 पीपल हैड बीन किल्ड। For every one Muslim, 6 Hindus and 6 had been killed by that time. This is what he says. Once the power was transferred to the Pakistani and Indian Punjab, then from both sides, कोशिश थी कि इनको यहाँ पे हमने रहने नहीं देना. So 6 million Muslims had to flee for their lives. But हाँ, attacks on Muslims कैन बी डेटेड फ्राम द 2 जुलाई 1947। इससे पहले जितने हमले होते रहे वो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में और मुस्लिम एडवांटेज क्या कहते हैं इनिशिएटिव की वजह से हुए, स्वाय अमृतसर के जहाँ पे इक्वल बैटल चलती रही। समझ गए आप? या 2 जुलाई के बाद फिर उधर से ऑर्गेनाइज्ड जो अटैक हुए हैं वो बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इधर से हमले हुए हैं लूटने के लिए, because the Hindus and Sikhs of Punjab, United Punjab were more educated. जो उस ज़माने की इकॉनमी बनी थी उसमें ट्रेड कॉमर्स में ये लोग आ गए थे। मुसलमानों में because of interest पे बैन, तो ये उस ट्रेड में नहीं थे जाते, बैंकिंग में नहीं थे जाते। एजुकेशन में भी सर सैयद ने इनको मजबूर करके स्कूलों में लाया, वरना तो पंजाब के अंदर एजुकेटेड जितने भी लोग मुझे आज तक मिले हैं खत्री और ये और वो या हिंदू हैं या सिख हैं। वेरी फ्यू मुस्लिम्स हैड एक्चुअली गॉन टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो दिस वाज वन मोमेंट व्हेन द पार्टीशन वाज नाउ टेकिंग प्लेस कि लूट लो इनके पास से और इनको भगा दो यहाँ से। जब ये उधर लेके गए हैं स्टोरीज तो वहाँ पे एक और फैक्टर है जो पूरे पंजाब यूनाइटेड में नहीं था। जो 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स, वहाँ के डेप्टी कमिश्नर्स, दे वर ऑल ट्रेंड इन द सेम एकेडमीज़। तो एक दीद लिहाज भी था कि किस हद तक वो साइड कर सकते हैं। लेकिन एज सून एज दे एंटर्ड इनटू द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न पंजाब, वहाँ पे ये नेटवर्क नहीं थे। तो वहाँ पे पटियाला में और एक दो और जगह पे फिर मुसलमानों का स्लॉटर जो है ना वो कंपेरेबली मच वर्स बेटर ऑर्गेनाइज, जिसमें मशीन गन फायर भी और बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल हुई हैं। दैट इज़ वाई इट्स गुड यू कोटेड अपना खोसला एंड वो जो है तालिब की रिपोर्ट भी कि जो रिवेंज लिया गया वो उसमें मुसलमान ज़्यादा मारे गए हैं। तो मैंने वो पूरी बैकग्राउंड आपको दे दी है। अब आप करें नहीं। और ये ताहिर भाई फिर इसमें एक द एलिफेंट इन द रूम, वी हैव टू टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम वेयर I mean, I have covered your book, Jinnah's book on the podcast too, and Jinnah's favorite line: Hindus and Muslims are two separate nations. And, and you talk about आप 1920s की Dr. Ahmad वो रंगीला रसूल एंड सीता की रसोई वाला किस्सा भी mentioned है book में कि वो सीता की रसोई होती है, फिर रंगीला रसूल होता है, फिर और आयरनी देखिए, आप दोनों सोचो हम दोनों के देश का डिजीज़ है, खास तौर पे तो पाकिस्तान तो पूरा ही। मैंने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट की थी ब्लास्फेमी लॉज ऑफ पाकिस्तान जी, मतलब मैंने उसकी पूरी एक स्क्रीनशॉट निकाली। इंडिया शुक्र है उस लेवल के पागलपन तक तो नहीं आया नहीं आया है। मगर ताहिर भाई फिर एलिफेंट इन द रूम में तो बात करना पड़ेगा ना कि हम पाकिस्तान में, मैंने एक, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप करते हैं, प्लीज डोंट मिस अंडरस्टैंड मी, पर पाकिस्तान में एक है ना, मैं हमेशा एक वो जो पाकिस्तान इंटेलिजेंसिया होती है उसमें एक हमेशा एक मैं स्लाइट ऑफ हैंड देखता हूँ, ये तो अंग्रेज़ों की साजिश थी। मैं बोला देखो अंग्रेज़ तो उसी को कुरेद सकते हैं ना जहाँ कुछ हुआ होगा, यू कैन नॉट क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। वेरी गुड। सो ताहिर भाई उसका क्या करें? देखिए बात ये है कि ये जो अंग्रेज़ों की साजिश वाली साजिशी थ्योरी है ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, यहाँ पे भी है, इंडिया में भी है, भारत में भी वो साजिशी थ्योरी जो है अक्रॉस सम सेक्शंस बिल्कुल है, वो चलती है। यानी वो पंजाबी में हम कहते हैं चलो जी मिट्टी पाओ, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि हाउ कुड वी कॉल स्पेड अ स्पेड, आप तो ये सवाल उठा रहे हैं ना। तो जब दूसरी तरफ ये कहा जाए जिससे ये सवाल आप कर रहे हैं, कहते हैं चलो जी मिट्टी पाओ, छड्डू गल लूँ, चलो जी मैं इस पे भी मान लेता हूँ कि चलो जी मिट्टी पा देते हैं, बट हाउ टू मूव ऑन। हाँ जी, मेरा मसला तो ये है ना कि दुनिया की बहुत सारी जगहों पे ब्लंडर होते हैं। हाँ जी, यूक्रेन रूस का ब्लंडर रिसेंट है। हाँ जी, अफ्रीका में ऑन एंड ऑफ ब्लंडर चलते रहते हैं। यस। अच्छा, यूगोस्लाविया का ब्लंडर भी अभी आंखों के सामने हुआ है, दो तीन बिल्कुल डिकेड्स के अंदर ही हुआ है। हाँ जी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो सारे का सारा खेल तमाशा है वो वहाँ पे फिर मूव ऑन भी तो होते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे वो ये कहते हैं कि नहीं मिट्टी पा के मूव ऑन आना है। यानी वो बिल्ली वाला आपने देखा हुआ कि बिल्ली जब लिटरिंग करती है, यानी अपने पू पे वो जब मिट्टी डालती है तो वो तो वही रहता है ना, किसी को साफ तो करना पड़ता है ना, जो ऑनर है बिल्ली का। या अगर वो नेचर में कहीं कर रही है तो नेचर इटसेल्फ इज अ वेरी काइंड बिल्कुल टू क्लीन दैट मैस। अदरवाइज अगर अंदर वो पू है तो वो तो किसी को साफ करना है, वो बिल्ली ने खुद साफ तो नहीं करना। अच्छा, वो जो मैस है, मैं ये कह रहा हूँ वो माइंडसेट का मैस है। डॉक्टर साहब तो एक स्कॉलर आदमी है, हिस्टोरियन है, एक एक चीज़ उन्हें अपने अपने टाइम लाइन में याद है, रेफरेंसेस देनी पड़ती है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब मुझे तो, मैं तो हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं तो इनसे सीखता हूँ। अच्छा, उस सारे जो मैं सीखने के बाद मैं सोचता हूँ कि भाई बात यह है कि ये फैक्ट्स तो जो डॉक्टर साहब या इन जैसे जो हिस्टोरियन बताते हैं ये तो बिल्कुल वैलिड हैं, रियल हैं, इससे तो कोई हम भाग नहीं सकते। लेकिन हम कैसे अब अपने आप को, जो आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, कैसे हम अपने आप को ये इस काबिल कर सकें कि हम ये कह सकें कि हम मूव ऑन हो गए हैं। अच्छा, अब अगर ये सिंपली कहना है जी मिट्टी पाओ जी मूव ऑन हो, वो नहीं पॉसिबल। आपको उस गंध को भी साफ करना है। अब मैं फिर दोहराऊंगा, वो गंध माइंडसेट का है। आज 76 इयर्स के बाद भारत में आज भी हमें इग्नोरेंस दिखती है, पाकिस्तान में इग्नोरेंस भी है और एरोगेंस भी है। ठीक है, और जिस साजिशी थ्योरी की आपने बात की वो साजिशी थ्योरी दोनों तरफ है, मगर पाकिस्तान में अपनी हाइट्स को वो छूती है। इट्स ऑन स्टेरॉइड्स कि जी ए तो जी अंग्रेज नहीं क्यों था, सीधे बड़े इनोसेंट था। आपका बुनियादी सवाल ये, आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल इसके रिस्पॉन्सिबल तो हम हुए, मैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं था, डॉक्टर साहब भी नहीं, हम तीनों ही नहीं है। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, हम तीनों नहीं है। मैं सिर्फ उस पर क्या जोर दे रहा हूँ, अब जो पंजाब का प्रिसाइजली मसला हो। हाँ जी, जैसे डॉक्टर साहब ने टवाना फैमिली का जिक्र किया और वो पूरे उस वक्त के जो भी पॉलिटिशियंस थे वो तो इस हक में नहीं थे। फिर ये लोग कहाँ से आए थे? ये लोग यूपी से आए थे, सीपी से आए थे। और आप कुर्तुलैन हैदर के नावल को याद कर लीजिए, आप अब्दुल्ला हुसैन के नावल को याद कर लीजिए। मतलब कुर्तुलैन हैदर का नावल मैं इसलिए दोबारा कोट कर रहा हूँ कि वो तो आज भी उतना ही फ्रेश है ना, कि किस तरह लखनऊ के नवाबों में, बंगाल की मुस्लिम एलीट में ये एहसास पैदा हुआ कि भाई पंजाब में ये बीज कैसे बोना है। और सबसे ज़्यादा सफ़र पंजाब ने किया ना, बंगाल ने भी किया, मगर पंजाब उससे भी ज़्यादा सफ़र रहा। और फिर उसके बाद वो यही है जी, साडा तो कोई कसूर नहीं, ए तो जी अंग्रेज़ा ने कराया सी, ठीक है। चलो जी, अगर तुहाडा कसूर ना भी हो, अगर ये अंग्रेज़ों ने भी कराया हो तो आज कहाँ खड़े हैं, मेरा सवाल ये है। आज आपका माइंडसेट कहाँ खड़ा है? आज आप उस सुधार के लिए जो अंग्रेज़ों ने बिगाड़ किया था आपके नज़दीक, आप उस सुधार के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं? डॉक्टर साहब देखें, अपना ताहिर भाई ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि ब्लेम अंग्रेज़ों को करना जो है, इट्स एन ईजी वे आउट। हकीकत तो ये है कि अंग्रेज़ों का फ़ैसला पार्टीशन करने का, मैंने 2-3 किताबों में इस्टेब्लिश किया है, इज़ अ ट्वाइलाइट डिसीशन। वो तो आखिर तक कोशिश करते रहे कि उनका कंट्रोल भी पूरे सब कॉन्टिनेंट पे रहे। गैरिसन स्टेट में भी आप ये बात करते हैं। मैंने ये सारा कुछ दिखाया है। और ये सारे फिसादात जो हैं बेसिकली मुस्लिम लीग ने शुरू करवाए हैं। बिल्कुल। सो दैट्स द पॉइंट। और उसके बाद जो रिएक्शन है वो 2 जुलाई से हमने डेट ली है। वो शायद टेरिबल ज़्यादा होगा जैसे एडमिटेड है, लेकिन ये शुरू तो इन्होंने किया ना कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमें हैं जो मिलके नहीं रह सकते। ये जिन्ना साहब की स्पीच है 22 मार्च 1940 के, और जब तक पाकिस्तान बन गया और उसके बाद जब तक उनकी वफात नहीं हुई, उन्होंने कभी रिग्रेट नहीं किया। इसके बाद मिथ भी बन चुकी है कि जिन्ना ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो नेहरू को कहा कि हम मिल जाते हैं। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ दैट, लिटरली नो एविडेंस। कोई ये बकवास है सारी। ये अलबत्ता उन्होंने ज़रूर कहा है कि मेरा घर मत लो बॉम्बे वाला, हाँ, और इसके 3000 किराया मुझे दिलाओ। ये तो मैंने पूरा प्रूफ दे दिया है। बट हाँ, वो सब प्रूफ, एवरीथिंग इज़ नाउ आउट इन द पब्लिक। तो बेसिकली आई वुड से मिस्टर जिन्ना इज़ द वन हु वांटेड द पार्टीशन। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, 1944 में लॉर्ड वेवल ने ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद कांग्रेस वालों को जेल में डाला हुआ था। हाँ जी। उन्होंने कहा कि किसी तरीके से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीडर्स कुछ ऐसा फार्मूला बना लें कि जंग के बाद जो भी होगा दोनों को काबिल कबूल होगा, ठीक है। महात्मा गांधी मिले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनके घर बॉम्बे में 15 से लेकर 17 दफ़ा, हाँ जी, और सारी दुनिया बिल्कुल वेट कर रही थी कि शायद कोई अब इनका फार्मूला निकल आएगा। आखिर में वो टॉक्स फेल हो गई। महात्मा गांधी ने आखिर में, हालांकि उसको कांग्रेस वालों ने और बाद में क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन आई थिंक गांधी जी को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू? वो कह रहे, क्योंकि आप अंबेडकर की किताब देख लें, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इन द पब्लिक थी कि पाकिस्तान बना दो और ये कर दो और वो कर दो। तो दिस वाज ऑलरेडी, वो जो ब्रिटिश हायर सर्कल्स में, दिस वाज एन अल्टरनेटिव दे वर कंसिडरिंग, ऑप्शन कह लें आप। ये फाइनल डिसीजन उनकी नहीं थी। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, 44 में महात्मा गांधी ने कायदे आज़म को कहा कि देखें, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान बनाना उन इलाकों में जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है, तो हम इसको मान लेंगे। वहाँ पे अलबत्ता प्लेबिसाइट होनी चाहिए कि क्या लोग वाकई चाहते हैं पाकिस्तान या नहीं। जिन्ना साहब ने कहा कि हाँ, प्लेबिसाइट तो होगा, लेकिन उन लोग मुस्लिम्स विल हैव द राइट टू वोट। नाउ व्हाट डज दैट मीन? आर यू लुकिंग फॉर अ कॉम्प्रोमाइज़ और नॉट? अगर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ मुस्लिम मनॉरिटी हैं, ताहिर भाई ज़रा सोचें, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ इलाकों में हम मेजॉरिटी में हैं, तो वहाँ हमें अलग मुल्क बना दो, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना पसंद करते। तो क्या उन इलाकों में जहाँ ये मुसलमान मेजॉरिटी में है, वहाँ के हिंदू और सिखों को, जहाँ वो मेजॉरिटी में है, वाइल दैट एरिया इज़ टोटल मुस्लिम मेजॉरिटी, और वो भी स्लाइड था, नॉट वेरी कंसिडरेबल. उनको हक नहीं है कि वो इस प्लेबिसाइट में पाकिस्तान के हक में या उसके खिलाफ वोट दे सकें. तो दिस वाज, और लॉर्ड वेवल जो कि जिन्ना के और मुस्लिम लीग के बहुत बड़े सपोर्टर थे, ही राइट्स दैट जिन्ना ओवर प्लेड हिज हैंड्स बिकॉज वॉट ही गॉट फाइनली इन 47 वॉज एग्जैक्टली वॉट महात्मा गांधी हैड अग्रीड कि भाई जो इलाके मुस्लिम मेजॉरिटी होंगे वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे, पंजाब के और बंगाल के, और बाकी हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएंगे. तो इन्होंने उसको रिजेक्ट किया. आखिर तक ये कहते रहे पूरा पंजाब और पूरा बंगाल मुझे दो, और मई में एक और कह दिया कि हमें एक कॉरिडोर दो वेस्ट पंजाब से वेस्ट पाकिस्तान से इनटू ईस्ट पाकिस्तान जो कनेक्ट करे दोनों पार्ट्स को. और वहाँ पे मतलब एक के बाद एक अनप्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल फार्मूलेज ये लेके आए, और इन्होंने ये कहा कि कैसे बंगाली और पंजाबी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं, ये तो एक कौम है. तो बाकी आर्गूमेंट है अगर सारे हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं तो पंजाबियों के अंदर और बंगालियों के अंदर कौन से ये है कि वो एक कौम है, एक बंगाली है एक पंजाबी है. तो जिन्ना हैड एक्चुअली लॉस्ट द लीगल केस, आर्गूमेंट उनके पास कुछ नहीं थी. ही इंसिस्टेड, और उसको फिर जब मसल उसको जब फिर फाइनली द ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन इंडिया बिकॉज मैंने मिलिट्री का पूरी डिस्कशन दी है कि जिन्ना जो है ही वांट्स टू जॉइन द कॉमनवेल्थ एंड ये हमारा मदद करेंगे सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए, वेयर एज हिंदुस्तान विल गो इट्स ओन वे. वहाँ पे ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया आता है एंड पंजाब और बंगाल फिर 3 जून प्लान के बाद एक प्रोसेस के जरिए हुआ है. It's, you know what is very interesting is that when I was looking at the numbers right now you have quoted in the book, मुस्लिम पॉपुलेशन वही 53 to 57% पे ही झूलती रहती है. हाँ जी, 57.1 अगर सिर्फ ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट्स हों, अगर प्रिंसली स्टेट्स ईस्टर्न पंजाब की इंक्लूड कर लें तो 52.3% बनता है. और कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. और 1899 में या 89 में लास्ट में Muslims were only 49% of the Punjab population. ये इंक्रीज 1901 में 1% की हुई है और आराम आराम से ये बढ़ी है. और उसके अंदर भी वजह ये है कि बहुत लोग हिंदू पॉपुलेशन से सिख बन गए ब्रिटिश फौज में हिस्सा ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले. तो इस किस्म की बातें हैं. एंड दिस इज ऑल्सो, मतलब ये किस किस्म की पॉलिसीज थी कि वो मार्शल रेस का एक बड़ा ही विचित्र सा कॉन्सेप्ट था, बना दिया उन्होंने. मतलब उसकी वजह से मतलब बोलना नहीं चाहिए, हिंदुओं की तो ठोकी गई उधर पूरी तरह से. और इशू क्या होता है ताहिर भाई कि हम लोग एक्चुअली बात क्या कर रहे हैं, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज इन अ हिस्टोरिकल वे वी ट्राई टू फाइंड ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन. देयर इज नो रिकंसिलिएशन without the truth. That's why this book had to be written. Yes, and which is why I appreciate that you did it, because यहाँ पे एक हम लोग flights of fancy जिसको बोलते हैं ना ताहिर भाई, हम flights of fancy में करते हैं. मैं नहीं बोल रहा हूँ इंडियन साइड परफेक्ट है, इंडियन साइड भी परफेक्ट नहीं है, और मगर जब तक आप सच बोलोगे ही नहीं तो आपको आप रिकनसाइल कैसे करोगे किसी चीज के साथ. तो ये जो हम लोगों का ये डिस्कशन है, ये आपने बहुत एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुली बोला, मिट्टी पाव. बेसिकली ये जो मिट्टी पाव का माइंडसेट है, तो फिर हम लोगों को ये बोल देना चाहिए ना कि हमको सच नहीं जानना, तो हम वो क्यों नहीं बोलते हैं? लेकिन मैंने अपनी किताब के प्रेफेस में लिखा है, पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं, कि एल्बर्ट कैम्यू जो 1957 के नोबेल प्राइज के लिटरेचर में उन्हें मिला था, उनको मैंने कोट किया है कि फिक्शन इज द लाई वी टेल टू टेल द ट्रूथ. ये उनका कहना है. तो मैंने कहा आई हैव रिटन दिस बुक टू स्पीक द ट्रूथ अबाउट द लाइज अबाउट द पार्टीशन. तो मेरी किताब इज देयर टू करेक्ट ऑल दैट एंड आई हैव गिवन एविडेंस जो कोई क्वेश्चन नहीं कर सका. और साथ साथ जो हमने इंटरव्यू किए 11 साल में, मुझे 11 साल लगे इस किताब को कंप्लीट करने में. 3 साल की मुझे ग्रांट मिली थी, लेकिन आदमी जुनून के तौर पे और एक सेंस ऑफ कमिटमेंट के तौर पे कि मैंने सच ढूंढना है, मैं काम करता रहा. और आज उस किताब के अंग्रेज़ी के कई एडिशन्स आ चुके हैं, हिंदी में उसकी अपना ट्रांसलेशन हो चुकी है, उर्दू में हो चुकी है और गुरमुखी पंजाबी में हो चुकी है। और आज तक एवरी डे ऑलमोस्ट किसी हिंदू मुसलमान एंड ओकेजनली हिंदू सिख एंड ओकेजनली मुसलमान थर्ड फोर्थ जनरेशन का भी आ जाता है कि आपकी किताब पढ़ी तो हमारे ये गांव का आपका जिक्र किया है, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ थे। तो अभी तक वो किताब जो है ना, इट्स कॉन्स्टेंटली इन द फोकस। और आज भी इसी पे बात हो रही है बिकॉज इट सेट आउट टू फाइंड द ट्रूथ एंड ह्यूमन एजेंसी में जितना पॉसिबल था वो मैंने करके दिखा दिया है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक अब रेकन्सिलिएशन की बात ये है कि मैंने ये भी किताब में दिखाया है कि ऐसे ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने अपनी जान पे खेल के हिंदुओं और सिखों को उनको बचाया है एंड वाइसी वर्सा, सिखों ने और मुसलमानों को बचाया, क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा है कि लिटरेचर में एक है स्टार्क रियलिज्म जो हिला देती है मंटो की ऑन द पार्टीशन, एक और ह्यूमनिज्म है कृष्ण चंद्र की जो कहती है कि अल्टीमेटली फिर भी इंसान इज़ गुड। तो मैंने कहा ये मेरी किताब के अंदर आपको दोनों कैरेक्टर रियल लाइफ से मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जान पे खेल के दूसरों को बचाया। तो मेरी किताब में रेकन्सिलिएशन की बुनियाद ये है कि नॉट ऑल मुस्लिम्स, नॉट ऑल हिंदूज एंड ऑल सिख्स वर जस्ट विक्टिम्स और जस्ट परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम, बट दैट there were people who defied all the madness which was around them and tried to hold on to humanity. तो यहाँ से reconciliation शुरू होती है कि जो जुल्म हुआ उसको मान लिया जाए। और by the way इंडिया में गोल्डन टेम्पल से उन्होंने 2 दफ़ा माफ़ी मांग ली है कि हम 47 में जो ये ज़्यादती हुई थी हम उसकी माफ़ी चाहते हैं, हमारी तरफ से आज तक नहीं हुई। और उसकी वजह यही है कि वेयर एज इंडिया के अंदर पार्टीशन इज़ कंसिडर्ड अ ग्रेट ट्रेजेडी, हमारे यहाँ कहा गया है कि इस्लाम ख़त्म हो जाए। जिन्ना साहब कहते थे ना इस्लाम रहेगा ना मुसलमान रहेंगे अगर पाकिस्तान नहीं बनेगा। और मैंने ये भी कोट किया कि ये वही जिन्ना साहब हैं जो 2 करोड़ मुसलमानों को मरवाने को तैयार थे पाकिस्तान बनाने के लिए। 30 मार्च 1941 को कानपुर के मुसलमानों ने इन्हें घेर लिया कि भई ये 1940 रेजोल्यूशन के मुताबिक जहाँ पाकिस्तान बनेगा वहाँ तो पाकिस्तान पहले से ही है, सारे चीफ मिनिस्टर तो मुसलमान हैं, तो हमारा क्या बनेगा। तो मिस्टर जिन्ना एंड आई कोट हिम वर्बैटम, आई विल मेक 2 करोड़ मुस्लिम्स विच इज़ 20 मिलियन एक्सपीरियंस मार्टरडम एंड गेट स्मैश्ड इन ऑर्डर टू लिबरेट 7 करोड़ फ्रॉम द टुटलेज ऑफ हिंदू कांग्रेस। तो जिन्ना साहब तो 2 करोड़ को मरवाने को तैयार थे पाकिस्तान बनाने के लिए। तो ये है बैकग्राउंड। ये सारी चीज़ें पब्लिक में मैं क्यों लाया हूँ, बिकॉज जिन्ना को उन्होंने वहाँ पे एक डेमी गॉड बना दिया है, अ मैन हु कुड नॉट कमिट एनी एरर ऑफ जजमेंट। आई एक्चुअली डोंट वांट टू कोट दैट, बट एक्चुअली डिसेंट आदमी है, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। उनसे मैंने कहा कि अगर आप पार्टीशन इंडिया की करवाना चाहते थे जिन्ना साहब के मज़हब की बुनियाद पे हम 2 कौमें हैं, तो फिर क्या पंजाब और बंगाल पे उनका स्टैंड गलत नहीं था? कहते हैं नहीं, वहाँ पे भी उनका स्टैंड सही था। है? हाँ, कि पंजाब और बंगाल तो हमें मिले लेकिन इंडिया पार्टीशन हो जाए। एंड ही रिटायर्ड एज अ सीनियर हिस्टोरियन ऑफ पाकिस्तान। सो हाउ कैन यू डील विद पीपल हु कांट इवन स्टिक टू द बेसिक रूल्स ऑफ लॉजिक कि हिंदुस्तान की तकसीम हो, क्योंकि हिंदू और मुसलमान 2 दुश्मन कौमें हैं, लेकिन पंजाब और बंगाल पूरा पाकिस्तान को मिले इंक्लूडिंग ऑल द हिंदूज एंड सिख्स, क्योंकि जिन्ना साहब की फिर ये डिमांड है। तो दोनों ही डिमांड उनकी सही है। ताहिर भाई ये क्या काम हुआ, चित भी उनकी पट भी उनकी। तो इसी बुनियाद पर तो पाकिस्तान बना था और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान चल रहा है। जो अभी मिट्टी पाव की बात कर रहे थे कि मिट्टी पाव का जो रवैया है वो भी दिखावे का है कि जी चले जो या सो या जी मिट्टी पाव आगे चलो, वो आगे भी नहीं चल रहे। इनफैक्ट मिट्टी भी नहीं पा रहे, ठीक है, ये भी एक रियलिटी है। वो इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि वो ये चित और पट वाली बात है कि भाई हमारी टर्म्स पे मिट्टी पाओ, यानी जब हम कहें तो भूल जाओ, जब हम कहें तो याद करो। इसकी एक एग्जांपल साथ साथ देता जाऊं, आप अक्सर पाकिस्तानियों को कहते थे कि यार इंडिया तो कोई सेकुलर स्टेट नहीं है, ये देखो मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो अगर कहो कि यार फिर पाकिस्तान को भी सेकुलर होना चाहिए, नहीं यार क्या बात कर रहे हो, हम तो इस्लामिक स्टेट है। नाउ हाउ कैन यू हैव अ रैशनल डिस्कशन विद सच पीपल। अच्छा, अब इस एनवायरनमेंट में कौशल जी मेरा सवाल आपसे उल्टा बनता है, हमारे व्यूड से बनता है कि क्या इस माइंडसेट के साथ मूव फॉरवर्ड हुआ जा सकता है कि भाई जो तो हमें, हम चेरी पिकिंग करेंगे, हम जो हमें अच्छी लगती है चेरी वो तो हमारी है, जो नहीं है वो नहीं है। अब ये एक ऐसा मसला है सब कॉन्टिनेंट का, हम एक ही तरह के लोग हैं। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये कैसे हो गया कि एक बॉर्डर के इस पार के लोग तो हर चीज़ अपनी मर्जी के मुताबिक चाहते हैं, जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कोई प्रिंसिपल नहीं चाहते, उनकी एलीट से लेके उनके सेकुलर सो कॉल्ड, यानी जिन्ना तो कोई मौलवी आदमी नहीं था ना, यही वो कहते हैं, ठीक है ना। हाँ। जिन्ना तो एक सेकुलर आदमी था ना, जो वाइन भी पीते थे, सूअर के गोश्त भी खाते थे, सूअर का गोश्त खाते थे, ठीक है। तो उनको सबसे ज्यादा इस्लाम का दर्द था, और जो उस वक्त के मौलवी हजरात थे, चाहे देवबंद के हों चाहे जमात इस्लामी के हों, सवाए जमात अहमदिया के ऑलमोस्ट सभी जमातों ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। ये अलग बात है, बरेलियों ने भी नहीं की, बरेलियों ने भी नहीं की। हाँ। वो ये एक अलग बात है कि उनकी मुखालफत ना करने का वजह कुछ और, वजह उनके जहन में ये था कि शायद हम ये जो ग्रेटर भारत है उसी को इसमें अपने नंबर ज्यादा होने की वजह से हम उसको उसमें छा जाएंगे। अच्छा, अब चलिए मैं तो हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ, इस लम्हा मौजूद पे जो बुल्ले शाह ने कहा है, वाह जी वाह, ठीक है ना जी जी जी, कि भाई इस लम्हा मौजूद में हमने क्या करना है। अब इस लम्हा मौजूद में मैं आपको दावे से कहता हूँ, मेरा भी वास्ता रहता है, इवन कनाडा अमेरिका में बसने वाली डायस्पोरा जो हमारी कम्युनिटी है, और पाकिस्तान में भी अब इंटरनेट की वजह से हम राब्तों में हैं 24 घंटे। मेजॉरिटी, मैं ये नहीं कहता सभी, मगर मेजॉरिटी अनफॉर्चुनेटली इसी एहसास के साथ जी रहे हैं, और उस मेजॉरिटी में कुछ सिर्फ ये कोई दकियानूसी ख्यालात रखने वाले लोग नहीं, अमेरिका कनाडा में डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने वाले बड़े बड़े स्किलफुल लोग। बाप रे, मतलब आप शुरुआत जिन्ना से ही कीजिए बार बार कि जिन्ना एक लॉयर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो एक कोट अनकोट मॉडर्न आदमी था ना, अगर वो तब यानी 78, 80, 85 बरस पहले जब उसने ये काम शुरू किया, अगर वो तब ऐसा सोचते थे तो उनके जो अब मानने वाले हैं, जो यहाँ पर भी बैठ के बड़े लिबरल सेकुलर नज़र आते हैं, वो भी तो ऐसा सोचेंगे ना। फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे गोरख धंधे का अल्टीमेटली एंड कंजम्पशन क्या होना है, इस गोरख धंधे का सोल्यूशन क्या होना है। इन अदर वर्ड्स, इस गोरख धंधे का सोल्यूशन अब मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि भारत ने अब मामलात को सीखना शुरू कर दिया। भारत चूँकि डिपेंड करता रहा कि जी पाकिस्तान अब देखते हैं कौन सी करवट लेता है, हम उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेंगे। अब भारत ने पाकिस्तान की करवट लेने या न लेने का ख्याल करना एपरेंटली यही लगता है छोड़ दिया है, और खुदा करे कि वो छोड़े रखे। इसीलिए भारत अब पाकिस्तान के ऑब्सेशन से बहुत बाहर निकल के, पाकिस्तान उसके रडार से बहुत बाहर निकल गया, तो भारत ऑन इट्स ओन, चाहे इकॉनमी हो चाहे चंद्रयान हो, ऑन इट्स ओन अपने झंडे गाड़ रहा है। $3 ट्रिलियन की इकॉनमी से मतलब $5 ट्रिलियन की इकॉनमी तक आया, और अब सफर इससे आगे जाने का है। ये भारत ने किया है तो भारत मूव ऑन हुआ है। अब पाकिस्तान को मूव ऑन होना है, भारत को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। जो कि पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला। अच्छा, ये बहुत लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान टूट जाएगा, ये टूटना कोई सोल्यूशन नहीं है। ना मुझे इस बात का खौफ है कि पाकिस्तान के टूटने से कुछ स्पिल ओवर होगा, क्योंकि पहले भी तो टूटा था ना, कितना स्पिल ओवर हो गया था, और वो नहीं मुझे इसकी कुछ चिंता नहीं। ना मुझे पाकिस्तान की किसी एटॉमिक बम की फिक्र है, वो दुनिया अब बहुत हाई टेक है, वो तो वैसे ही जैम कर देती है इस तरह की नकलो हरकत को जब उन्होंने करना होता है। मुझे उनकी फिक्र नहीं, फिक्र मुझे ये है कि पाकिस्तानियों का ये माइंडसेट उनको काफ़ी हद तक खड्डे तक ला चुका है, उसको मज़ीद खड्डे तक लेके आ रहा है। हम हमारे सामने अब जो जिस तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल हम पाकिस्तान में देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा जना के हामी, सबसे ज़्यादा प्रो पाकिस्तानी वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं ना। हाँ जी, वही अब उन्होंने रिसेंटली अभी ही 14 अगस्त को योम स्याह मनाया है। अच्छा, उनका योम स्याह मनाना कोई पाकिस्तान की बेहतरी की अलामत नहीं है, वो एक और तरह की वहाँ पर अनारकियत को फैलाएगा। अच्छा, ये जो सब का सब है, इससे अब एक होप है कि जब आप इतने तबाही के दहाने पे आए हों और फिर बेअकले भी हों, असल में प्रॉब्लम ये होती है बेअकला होना। अगर आप में रियलाइजेशन हो, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, कोई शऊर हो, कोई सेंस हो, तो आप अपने आप को अपलिफ्ट कर लेते हैं। आप कहते हैं यार बड़ी हो गई हो, छोड़ो ना इसका, इन्ना गल्ला छोड़ो, आओ उसी उन्होंने तजारत करी। अच्छा, ये भी बहुत पाकिस्तान में कहा जाता है जी कि खासतौर पर पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में जी भारत ना तजारत हो जाए तो मसले हल हो जाए। तजारत सबसे पहले जो होती है ना, वो अपने साथ होती है, अपने आप से होती है। तजारत जो होती है वो एक एटीट्यूड का नाम है, ये सिर्फ लेन देन का नाम नहीं होता, ये एक प्रोफेशनलिज्म का नाम होता है तजारत, कि भाई मुझे पता है कि मैं ये तजारत कर रहा हूँ तो मुझे प्रोफेशनल होना है, कर्टियस होना है। ये मैं पाकिस्तानी भले से भारत के साथ तजारत ना करें, ये भी मैं बहुत हमारे दानिश्वर कहते रहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते रहते हैं जी तजारत हाल है मसले का। मैं कहता हूँ अपने आप के साथ तजारत कर लें, बांग्लादेश से सीख लें अपने आप के साथ क्या तजारत है। मुझे ये एनके चाहिए हैं तो मैं ना बाहर से मंगवाऊँ, मैं खुद बनाना शुरू कर दूँ। ये तभी होगा ना कि मुझे ये पेन चाहिए, कागज़ चाहिए, शुगर चाहिए, बिजली चाहिए, और भारत से मैं ना लूँ, भाई खुद बना सकता हूँ। जब मैं खुद बनाऊंगा तो मुझे इस पे मेहनत करते हुए इसकी वैल्यू का फिर ये एहसास होगा, फिर मैं रैशनल हो जाऊंगा। जब मैं रैशनल हो जाऊंगा, रैशनल आदमी जंग की तरफ नहीं जाया करते, सिर्फ और सिर्फ इरैशनल माइंडसेट या इरैशनल लोग ही जंग की तरफ जाने की बातें करते हैं। तो मेरा सिर्फ ये बिनती है पाकिस्तानियों से, गुजारिश है पाकिस्तानियों से कि भैया सिर्फ रैशनल हो जाइए और अपने मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दीजिए। जब पाकिस्तान में जी बिजली नहीं है, वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर ख़राब हो गई, तो बस उस पर तवज्जो दो ना। जब उस पर आप तवज्जो दोगे तो नफ़रत आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अभी तो सिर्फ नफ़रत की तरफ ही ध्यान है ना। ये मैं बड़ी मतलब आम ज़मीन की बात कर रहा हूँ या सुपरफिशियल सी बात कर रहा हूँ, मगर ये ग्राउंड रियलिटी होगी। तो मतलब पाकिस्तान की या पाकिस्तानियों के सुधार की एक ही सूरत है कि वो कंस्ट्रक्टिव सोचना शुरू कर दें। अभी भी उनके अंदर का जो पॉलिटिकल टर्मोइल है ना, जो मेनली पंजाब में है या पंजाब से ही वो गया है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कंस्ट्रक्टिव नहीं है, यानी दूजियां दे बारे ढिड पीठ ज़्यादा है। ठीक है, अपने जो मसाइल हैं, मतलब वो फ़लस्तीन के मसले पे आज भी आप 10 लाख लोगों का जुलूस निकलवा सकते हैं एनीवेयर इन पाकिस्तान। मैं सिर्फ पंजाबियों की नहीं बात कर रहा, फ्रैंकली मैं डॉक्टर साहब से कुछ देर पहले ऑफ द कैमरा बात कर रहा था। तमाम मसाइल के बावजूद पंजाबी लिबरल भी बहुत होते हैं, ये एक अलग डिबेट है। ये अक्रॉस द बोर्ड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों का मसला है कि वो कंस्ट्रक्टिव सोच में नहीं है। कंस्ट्रक्टिव सोच में आ जाएं और किसी के लिए ना आए, खुदा के लिए ना, भारत के लिए अच्छा सोचें ना, अफगानिस्तान के लिए अच्छा सोचें, किसी के लिए अच्छा ना सोचें। हम इनसे तो कोई नहीं करते और इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते, उनको कहते भी नहीं। सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचें, सिर्फ और सिर्फ खुद गर्ज हो जाएं, सेल्फिश हो जाएं, अपने बारे अच्छा सोचना शुरू करते हैं और दूसरों के बारे बुरा सोचना कुछ देर के लिए पोस्टपोन करते हैं। और डॉक्टर साहब, एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग बिट एक और मेरे को, क्योंकि अभी हम लिटरेरी फेस्ट के टाइम पे ही मिल रहे हैं, पंजाबी लैंग्वेज के ओरिजिन वो बड़े कंफ्यूजिंग है कि आपने उसमें आई रिमेंबर अ स्पेसिफिक लाइन यू से वी डोंट नो द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज। मगर मैं लैंग्वेज का दूसरा क्वेश्चन पूछूं। नहीं, व्हाट आई मेंट वाज कि ये बोली तो बहुत पुरानी जा रही है ना, लेकिन उसकी जो रिटर्न फॉर्म है, स्क्रिप्ट का कोई प्रूफ, स्क्रिप्ट का प्रूफ जो बाबा फरीद ऑनवर्ड्स तो है। हाँ जी, जुबान तो बहुत पुरानी बोली जा रही होगी ना, इनफैक्ट हिंदी से भी पुरानी है। वही ना, जब जितनी भी पुरानी है, इनकी मदर रूट वही है संस्कृत, लेकिन इसके अंदर मुंडा जो यहाँ की जुबान थी और द्राविडियन जुबानों की भी, वो हमारे कुछ दोस्त थे जिन्होंने इस पर स्टडी की थी कि कुछ साउंड्स जो द्राविडियन साउंड्स हैं जो संस्कृत में नहीं है वो पंजाबी में है। तो क्योंकि यहाँ पे लोग आए तो ज़ुबान हमेशा कम्युनिकेशन का ज़रिया बनती है, तो उनमें से वो साउंड्स भी आ गए, वो ग्रामर या वो भी सिंटेक्स की बात वोकेबलरी का हिस्सा बन गए, लेकिन इन सब का रूट जो है वो संस्कृत है। कुछ लोग तो इसको भी डिनाई करने को तैयार हैं कि वो है नहीं, वो तो पता नहीं कुछ और ढूंढते रहते हैं। मतलब इस किस्म की नॉवल्टी हंटिंग बहुत पाकिस्तान में होती है, विच हैज़। अब मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, तो आई वुड रादर राइट समथिंग इन माई फील्ड वेयर आई हैव कॉम्पिटेंस एंड कम अप विद समथिंग न्यू। अब वो सारा कुछ छोड़ के तो आप लैंग्वेज पे लिख रहे हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी थिंग। इसे मैं कहता हूँ नॉवल्टी हंटिंग। नॉवल्टी हंटिंग इज़ ईजली डन, बट वो सुपरफिशल होती है, इट इज़ स्पीशियस, वो चंद लोगों को सेटिस्फाई कर देती है। तो पंजाबी ज़ुबान जो है उस पर ही आपने मुझसे सवाल किया, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया। इट इज़ बीइंग डिफरेंट फॉर द हेक ऑफ बीइंग डिफरेंट। मगर अभी चलो पार्टीशन हो गई जी, जो दर्दनाक बातें हो गई, मगर आज करंट डे पंजाब के बारे में, एंड आई वांट बोथ ऑफ योर ओपिनियंस ऑन दिस। ये बड़ी विचित्र चीज़ है जो इंडियंस को पाकिस्तान में दिखती है कि इवन इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब वो लोग पंजाबी भाषा को दबाते हैं। यार ये क्या कन्फ्यूजन है। नहीं, ये कन्फ्यूजन जो है मैंने कई दफ़ा समझाया अपनी वीडियो टॉक्स में कि देखें 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने जो ऑफ़र किया था वो ये था, देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, मेन एंड वुमेन विल हैव इक्वल राइट्स, इंडिया विल बी अ फेडरेशन विद अ इफेक्टिव सेंटर, 39 आइटम्स टू द सेंटर, 67 आइटम्स टू द प्रोविंसेस। और क्या चाहिए था, तो इतना डिसेंट्रलाइज्ड। हाँ, एंड Hindustani will be the national language. It will have two official scripts, Devanagari and Persian Urdu. And every province will have the right to apply their mother tongue in education and in the business of government. ये सारी चीज़ें 28 की ऑन ऑफर हैं। 36 में दोबारा कांग्रेस ने ऑफर की। And I have quoted Mr. Jinnah saying कि ये कहना कि हिंदुस्तानी is a language, ये कांग्रेस का प्रोपोगेंडा है और हिंदुस्तानी इज़ नो लैंग्वेज एंड उर्दू इज़ द मदर टंग ऑफ मुस्लिम्स। अब ये इसी बुनियाद पे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके उर्दू का ही किया ना हर जगह पे इम्पोज। और पंजाबी एलीट का या पंजाबी जो थे इंटेलिजेंशिया की बैकग्राउंड ये है कि अंग्रेज़ जब यूपी से आए हैं तो उन्होंने जो ये नई आर्मी बनाई थी, मार्शल रेसेस और ये, दे वांटेड आल्सो कि एक ही किस्म की ज़ुबान को लिया जाए ताकि पंजाबीज़, नॉन पंजाबीज़, उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग सारे वही बोलें आर्मी यूनिट्स के अंदर। तो उन्होंने उर्दू रख ली। इसीलिए मंटो, कृष्ण चंद्र, बेदी, रामलाल ये सारे उर्दू में लिखते थे, बट देवर ठेठ पंजाबीज़। बल्कि मंटो का तो कहना है कि जब कोई पंजाबी उर्दू बोलता है तो लगता है वो झूठ बोल रहा है। हाँ, दिस इज़ ट्रू। तो पाकिस्तान हैज़ इनहेरिटेड ऑल दोज एंटी कल्चरल, एंटी रीजन बेस्ड आइडेंटिटीज़ और एक रिलीजियस बेस्ड सुप्रा आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी उन्होंने बाय फोर्स इम्पोज की है सारे पाकिस्तान पे। इसी इस वेन अटैम्प्ट के अंदर पाकिस्तान एक दफ़ा टूट गया है और पाकिस्तान के मज़ीद भी टुकड़े हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अपने आप को करेक्ट नहीं करेगा। और मैंने बड़ी तवील कमेंट सुना ताहिर भाई का, एंड आई टोटली एग्री, बट आई वुड लाइक हिम टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये न्यूक्लियर वेपन्स आर अ रियल थ्रेट टू द वर्ल्ड। ये नॉर्थ कोरिया जो है उसको अगर बाकी जैमिंग के साथ ख़त्म कर दिया जाता तो हो सकता है। सो लेट्स नॉट underrate Pakistan's capacity to inflict a lot of terror and pain on the world. We have to be aware of this potential. इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को के इसके न्यूक्लियर वेपन्स और इसको जो है ना, इसको भी ये इस्तेमाल तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर हुए तो दोनों तरफ कब्रिस्तान बनेगा। आई एम नॉट सॉर्ट ऑफ सेंसेशनलाइजिंग, आई एम कोटिंग बिल क्लिंटन who in 2002 I have quoted it in my Garrison State book saying कि अगर ये जंग होती है तो उस ज़माने के जो न्यूक्लियर वेपन दोनों तरफ हैं, अब 1 billion Indians, 500 million would be wiped out and 170 million Pakistanis, 120 million will be wiped out. So I think this jamming thing might be true, but it is no perfect way of dealing with nuclear weapons. बल्कि ये कहना चाहिए कि वेस्टर्न पावर्स ने अपने इंटरेस्ट में इस न्यूक्लियर पावर को बनने दिया, और जैसे इन्होंने अफ़गान जिहाद करा के 9/11 भी करवाया है, पाकिस्तान के ज़रिए एक और भी हो सकता है इस किस्म का एक्ट। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को मतलब जो उनको फंडिंग पहले वेस्ट से आती थी वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। IMF की सारी बातें पूरी करवाएं, मैं उसके हक़ में हूँ, और सऊदी अरेबिया से जो पैसा आता था वो भी ठंडा हो गया है। अब सिर्फ चाइना वाला फैक्टर है, चाइना को कैसे कन्विंस किया जाए कि पाकिस्तान को आप कन्विंस कर लें कि इंडिया के साथ हम ट्रेड करते हैं। तो हमारी ट्रेड तो उनके साथ बढ़ गई है, फ्रॉम 100 बिलियन टू 137 बिलियन इंडिया और चाइना की है, तो आप भी करना शुरू कर दें। इस किस्म की बात मैं समझता हूँ ज़्यादा प्रैक्टिकल है, while saying कि ये सिर्फ एक ब्लैकमेल का टैक्टिक है। इट्स नॉट अ ब्लैकमेल टैक्टिक, इट्स अ रियल थ्रेट टू वर्ल्ड पीस कि इन्होंने न्यूक्लियर पावर बना दिया है एक ऐसी स्टेट को जो है ही इररिस्पॉन्सिबल। आफ्टर ऑल इन्होंने सारी टेररिज्म कश्मीर के अंदर, बॉम्बे के अंदर किस बुनियाद पे किया? अगर न्यूक्लियर वेपन न्यूट्रलाइज हो सकते तो इनको सजा ना मिल जाती। सो आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु इज कैरिड अवे बाई दीज पीपल। कुछ ये ताहिर भाई की ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, कल मुझे लगता है जेरे असर आए हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। आई थिंक न्यूक्लियर वेपन्स पोजेसिंग स्टेट्स आर अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, और उनको कंटेन करने के लिए सारी दुनिया को कोऑपरेट करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट आई मीन। और बाकी सारी बातें हैं कि इनको इनवर्डली सोचना चाहिए, तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा। आप इंडस्ट्री लगाओ, आप बिजली पैदा करो, आप लोगों के मसाइल जो हैं वो हल करो, और देखें फिर पाकिस्तान उसमें ट्रेड के एलिमेंट को, मैं पाकिस्तान के हक़ में बात कर रहा हूँ कि विदाउट इंडियन ट्रेड पाकिस्तान इज़ रूइंड। हमारे कंज्यूमर के पास चॉइस ही कोई नहीं है कि वो कोई 2-3 प्रोडक्ट्स में से चूज़ कर सकें। दे कैन आइदर चूज़ अ चाइनीज़ थिंग और अ वेस्टर्न थिंग। इफ़ इंडियन गुड्स कम दे कैन मेक अ चॉइस in their own interest, and that's what economics is all about. तो ट्रेड से पाकिस्तान को फ़ायदा ज़्यादा है, इसमें इंडिया को भी है कि ईरान से जो पाइपलाइन आनी है वो रुकी क्यों हुई है? सेंट्रल एशिया और रशिया से दे ऑल वांट द पाइपलाइन टू गो, गैस पाइपलाइन टू गो टू इंडिया विच इज़ द मेन मार्केट। Pakistan is sitting on it but destroying its own economy and pauperizing its own people. तो मैं पाकिस्तान को और सीरियसली हैंडल करना चाहता हूँ बाय इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इन अंडरस्टैंडिंग कि पाकिस्तान किस तरह एक अपने लोगों के लिए भी मुसीबत है और दुनिया के लिए अभी तक है। तो मतलब ताहिर भाई बेसिकली हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो वाली बात है, वो वाली बात है। देखिए मैं आपके उस बुनियादी सवाल जो आपने हम दोनों से किया उस पर ज़्यादा मेनली स्टिक रहना चाहता हूँ कि ये जो पंजाबी ज़ुबान को खुद क्यों नहीं करते, खुद ऑन नहीं करते। मैं सिर्फ एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई ये करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट को अंडरमाइन नहीं कर रहा, मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान का ये ख्याल है कि जी ट्रेड इंडिया के साथ करना कोई हराम है, फर्ज कीजिए, तो मैं ये कह रहा हूँ अपने साथ ट्रेड कर लें। जी जी, ये बात दुरुस्त है, ठीक है ना जी, बिल्कुल। वो खुद ही अपने अंदर ही ट्रेड क्राफ्ट्समैनशिप जो है वो सीख लें, क्योंकि ट्रेड जो है वो एक आर्ट है, एक साइंस है, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आर्ट भी है, साइंस, वो कर लें। बाकी जहाँ तक उनके कोई न्यूक्लियर पावर का मामला है, वो बिलाशुबा एक कंसर्न है दुनिया के लिए, एक चैलेंज है, और पाकिस्तान को उस पर खुद वो भी उसी तरह ट्रेड पर जुड़ा हुआ है कि भाई ये इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें करके या ऐसा कभी बेवकूफ़ाना अमल का सोच के हम खटेंगे क्या, हासिल उसूल क्या होगा, ठीक है। तो सिर्फ ये इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अब मेनली उस सवाल पे कि ये क्यों नहीं है, देखिए हम इत्तेफाक से तीनों पंजाबी बैठे हैं, हम भी सच बोलने के लिए उर्दू हिंदी बोल रहे हैं, यानी ये हकीकत है, यानी झूठे झूठे लग रहे हैं अपने अपने लहजे में। व्हाट एन आयरनी, वी शुड बी अशेम्ड एक्चुअली। अच्छा, उसका कारण बड़ा सिंपल सा है कि मैं एक ज़माने में पंजाबी यानी गुरमुखी पंजाबी में यहाँ टोरंटो से एक अखबार छापा करता था, तो जो मेरे अपने पंजाबी होते थे वो कहते थे जी कि ए तुसी किन्ना वास्ते छापते, इतना साडे को पढ़न नहीं होता, वो पंजाबी में मुझे कहते थे जी ए तो साडे को पढ़न नहीं होता, मैं क्या ए मैं ना यूक्रेनियन वास्ते छापना गा ताकि वो पढ़ सकन, ठीक है ना। तो मतलब जब पंजाबी जो है ठीक है ना। अच्छा, अब ये एक मीडियम ऑफ लैंग्वेज है उर्दू हिंदी, ठीक है, उसमें तो प्रॉब्लम ये है कि जब पाकिस्तान बना था, ज़रा याद कीजिए, उस वक्त भी और आज का पाकिस्तान भी टूटने के बाद भी पंजाबी तो सॉरी उर्दू तो ज़ुबान उस रीजन की थी नहीं, पंजाब की पंजाबी थी, खैबर पख्तूनख्वा जिसका आज नाम है, सूबा सरहद होता था नाम उसका, तो उसकी तो पश्तो और थोड़ी बहुत दरी थी, इधर बलोच थी जिस पे कब्जा किया था, और सिंधी थी सिंध में, और उधर बंगाली थी जो तब पाकिस्तान का हिस्सा होता था। उर्दू तो भारत से आई थी, ये तो भारत की लैंग्वेज है, ये तो यूपी से सीपी से वहाँ से आई थी। अच्छा, इसकी जो डोमिनेंस कैसे बनी, हनीफ रामे ने अपनी किताब पंजाब का मुकदमा में बड़ा एक अच्छा एनालिसिस दिया। उन्होंने कहा कि जब पंजाबियों ने ये समझा कि हमारी जो एलीट ज़ुबान है वो उर्दू है, तो वो सिंधियों को मारते थे इस बात पे, पहले बंगालियों को मारना शुरू किया, मतलब बकायदा मारा, गोली चली, जिसकी वजह से दुनिया में आज 21-22 फरवरी को जो इंटरनेशनल मदर टंग डे मनाया जाता है, उसका कारण वही है, ये लोग कारण है। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं एक साइकोलॉजिकल, उन्होंने एक वजह बयान की रामे साहब ने अपनी किताब में, उन्होंने कहा कि जो कौम में ये कैसे देखती है कि हम तो अपनी ज़ुबान भूल गए, तुम क्यों अपनी ज़ुबान बोल रहे हो, तुम्हारी ऐसी के तैसी, ये एक साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट था कि भाई हमने तो छोड़ दी, हमने तो कुर्बानी दे दी। अच्छा, फिर कुर्बानी क्यों दी, उसका मैं फर्दर एनालिसिस करता हूँ कि हम जी ये इस्लाम की ज़ुबान है, ठीक। अच्छा, उर्दू तो इस्लाम की ज़ुबान नहीं थी, जिस बंदे ने कहा कि उर्दू इस्लाम की ज़ुबान, उसका नाम मिस्टर जिन्ना है, उसको तो उर्दू बोलना नहीं आती थी, या तो वो अंग्रेजी बोलता था या गुजराती जानता था, क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही है, ठीक है ना। यानी वो आदमी कह रहा है, इस्लाम को भी वो का प्रचारक भी वो था जिसको इस्लाम का नहीं पता था, ज़बान का भी प्रचारक वो था जिसको ज़बान का नहीं पता था, यानी इससे बड़ा अलमिया क्या होगा, इतनी आर्टिफिशियल थी सारी सोच, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर ये एक एलिटिज्म के साथ जुड़ गई, ये फला जिसे कहते हैं ना, वो फूलों वाली ज़ुबान है। मैं खुद उर्दू में शायरी करता हूँ, उर्दू में लिखता हूँ, इसलिए कि हमने वही आप उसमें मीडियम बना, आपने वही सीखा, मतलब बोलने में जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो हमें यही कहते हैं कि आप थोड़े थोड़े जाली लगते हैं, हाँ। तो फ्रैंकली वो उर्दू स्पीकिंग के अंदर इतने उर्दू के डायलैक्ट्स हैं, इतने एक्सेंट हैं, वो हमें भी जाली लगते हैं, क्योंकि देखिए अब हम कैनेडा अमेरिका में रह रहे हैं, डॉक्टर स्वीडन में रह रहे हैं, स्वीडिश जानते हैं, हम अंग्रेजी से भी काम चला लेते हैं, तो अगर हम अंग्रेजी को अपनी लिखत पढ़त में बरतते हैं या बोल चाल में बरतते हैं तो कोई बुरी बात तो नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पंजाबी की शनाख्त को ख़त्म कर रहे हैं। इसी तरह उर्दू भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और की हुई है, लेकिन इसके बारे में जो टैबू बन गया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि जी ये जो है ना कमी कमीनों की ज़ुबान है, या गाली देने के लिए ज़ुबान है, या शराब पीने के बाद की ज़ुबान है। अब ये जो एक सूरत हाल बन गई, अब ये एक अफसोसनाक, और बनाई किन्होंने, खुद पंजाबियों ने बनाई। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो पंजाबी एलीट है, पाकिस्तान की पंजाबी एलीट ये इंडिया में तो खुला पंजाबी में ही बोलते हैं। ना ना सर, मैं आपको पाकिस्तान की पंजाबी लीड की बात, वो भी आपस में पंजाबी बोलते हैं, सब पंजाबी बोलते हैं, बिल्कुल पंजाबी बोलते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पे उर्दू होती है। अब देखिए ना, जब पंजाब असम्बली, लाहौर की पंजाब असम्बली में किसी ने बिल एक दफ़ा कुछ साल पहले पेश किया कि जनाब पंजाब असम्बली की कार्रवाई पंजाबी में हुआ कर रही, तो पंजाबी में ही जवाब देते हुए परवेज़ इलाही उस वक्त जो थे, जो चीफ मिनिस्टर भी कई बार रह चुके हैं, तो उन्होंने पंजाबी में ही जवाब देते हुए कहा कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनसे भी उर्दू ठीक से नहीं बोली जाती। हाँ हाँ, नहीं बोली जाती, ठीक है। मतलब कौन सा पंजाब का मेंबर पार्लियामेंट है, नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। या कौन सा पंजाबी जर्नैल है जो अपने दोस्तों के साथ उर्दू में बातचीत करता? कोई नहीं करता, सब पंजाबी में बात होती है। हाँ। अच्छा, लेकिन पंजाबी की जो ऑफिशियल हैसियत है वो आइडियोलॉजिकल है। हाँ, वो 0/0 की। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई उर्दू बोलने से क्या आप मुसलमान हो जाएंगे? क्योंकि ये प्रॉब्लम मिस्टर जिन्ना से लेके आज के पंजाबी बच्चे तक का है कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला है। अब जो अरबी है, अरबी ज़ुबान जो है वो इनफैक्ट इस्लामी ज़ुबान नहीं है, वो तो अरबिक ज़ुबान है, इस्लाम तो उसका एक हिस्सा है, ठीक है। मतलब जो अरब होते हैं वो क्रिश्चियन भी होते हैं, वो ज्यूज़ भी होते हैं, वो यजीदी भी होते हैं, वो पेगन भी होते हैं, और उनके नाम भी ताहिर, तारक, ज़ियाद होते हैं, और वो इस्लामी नाम नहीं है, ये अरबिक ज़ुबान। ये एहसास बर्रे सगीर के मुसलमानों में, यानी ये कॉमन सेंस जो अनफॉर्चुनेटली कॉमन ही नहीं है, वो बिल्कुल कॉमन नहीं है बर्रे सगीर के मुसलमानों में कि आपका खालिद नाम हो या मेरे जैसा ताहिर हो या डॉक्टर साहब जैसा इश्तियाक हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मुस्लिम नेम है, ये अरबी ज़ुबान के या फ़ारसी ज़ुबान के नाम है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस इतना खौफनाक है, और वो मैंने आपके पिछले शो में बात की थी, आइडेंटिटी क्राइसिस का एक साइकोलॉजिकल इशू है। वो ये है कि ए बंदा बाहरों आया प्यारा होगा, हाँ। ए जुबान बाहरों आई है जरा वधिया होगी, साढ़े तो चंगी होगी। हमें बाहर की चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी लगती है, ठीक है। और ये भी लगता है कि हम यहाँ पे आए थे हमला करते हुए हाकिम के तौर पर, हम यहाँ के लोकल नहीं हैं, ये भी एक साइकोलॉजी है। हाँ सर, हाँ। सर भारत में भी चले जाए ना, हाँ। तो वो एक है कि ए बंदा बाहरों आया, हाँ जी की हाल चाल लो, ए जरा बंदा बाहरों आया, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये एक कर्टसी का भी एक एस्पेक्ट है, और दूसरा इम्प्रेस होने का भी एस्पेक्ट है, साइमल्टेनियसली चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुसलमानों में ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो बन के आइडेंटिटी क्राइसिस के एस्पेक्ट्स, कि जी ओ हो ये तो हमारे यहाँ आइडेंटिटी हमारी तो वो ये। अच्छा, ये नहीं बोलते, ये बोल जाते हैं कि अरब कम आए थे, सेंट्रल एशियन ज़्यादा आए थे इन्वेड करने के लिए, और जो सेंट्रल एशियन थे वो उनके एंसेस्टर्स मुसलमान नहीं थे। इवन अरबों के एंसेस्टर्स भी मुसलमान नहीं थे, वो यजीदी थे, पेगन थे, यहूदी थे। इस्लाम तो 1450 साल की कहानी है ना, और उससे पहले जो एंसेस्टर्स थे वो कोई और थे। अब यहाँ से जो मतलब तातार आए, मंगोल आए, वो तो सब इनकी थी ना औलादें, चंगेज़ खान और इन लोगों की, तैमूर और इन लोगों की थी। अच्छा, वो हमने यानी अपने अबाव अजदाद के बारे में भी, अगर ये इनके अबाव अजदाद हैं उनके बारे में भी झूठ बोला कि जी ये अरब थे, वो अरब नहीं थे भाई, उनमें से मोस्ट ऑफ देम वर आज के सेंट्रल एशियन थे या मंगोलिया के थे। यानी अपनी जो अपने होने के बारे में बेचारा झूठ का शिकार है, उससे ज़्यादा मजलूम इंसान क्या होगा जिसको अपने बाप का ही पता नहीं है? उससे ज़्यादा मजलूम इंसान क्या होगा? It is actually sad. Before we wrap up, तो कल नहीं परसों जब वो क्वेश्चन था, एक I have to ask you that question. पंजाबी नेशनलिज्म क्या शगुफा है? देखें जी, पंजाबी नेशनलिज्म जो है वो उसके चंद चीज़ें तो ठीक हैं कि पंजाब के साथ जो 47 में जुल्म हुआ, तो लेट्स सेलिब्रेट या लेट्स कमेमोरेट, आई एम सॉरी, द 17th of August व्हेन सो मेनी पंजाबीज वर किल्ड। ये तो एक पॉजिटिव फीचर है पंजाबियों के साथ जो दुख हुआ है, लेकिन क्या पंजाबी दुनिया में छा जाएंगे? वे किस तरह छा जाएंगे? ये कहाँ से सोच आई? वो मैंने पहली दफ़ा ही सुनी थी और उसकी मुझे कोई बुनियाद नज़र नहीं आई कि ऐसे भी हो सकता है। देखेंगे नेशनलिज्म ये है, नैरो नेशनलिज़म्स। एक पूरे इलाके की यूनिटी की बजाय कि हम सब जो भी ज़ुबान मिलते हैं हम मिल के रहेंगे और एक मुनसिफाना यानी फेयर बेसिस पे हम रहेंगे। हम आप के ज़ुबान दूसरी बोलते हैं तो हम अलग हो जाएंगे या हम आप पे छा जाएंगे। दिस इज़ एन आउटडेटेड वे ऑफ थिंकिंग। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड बाय कि ये भी एक सोच हो सकती है कि पंजाब दुनिया पे छा रहा है। दैट आई डोंट थिंक इज़ लाइकली टू हैपन एंड आई डोंट नो हाउ, क्योंकि उसके क्या मैकेनिज़्म होंगे, क्यों होगा ऐसे। सो दैट्स माई रिस्पॉन्स। पंजाबी नेशनलिज़म इस हद तक के पंजाबी को स्कूलों में पढ़ाया जाए, हमारी असेंबली में पंजाबी में तकरीर हो सके, ये एक जेन्युइन कल्चरल पंजाबीज़म है। हाँ। और अपने बच्चों के साथ या कुछ पंजाबी को रिस्पेक्टफुल ज़ुबान बनाने की कॉन्शियसनेस जो है ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन पंजाबी कोई एक नया हथियार है दुनिया को डोमिनेट करने का, दैट मेक्स नो सेंस टू मी। देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, पंजाबी छा सकते हैं अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेहनत करें, अपने आप को इस्टेब्लिश करें। पंजाबी छा सकती है या पंजाबियत छा सकती है अगर दुनिया में कोई न्यू इन्वेंशन करें, कोई दुनिया में नई से नई मेडिसिन लेकर आए जो दुनिया को चाहिए, इंसानियत को चाहिए। ताहिर भाई, उसकी ये फिर है कि बाकी लोग जो हैं वो इन्वेंशन करना बंद कर दें और सिर्फ पंजाबी करें। मैं इसका एक एस्पेक्ट ये निकाल रहा हूँ। असल में मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जी वेस्टर्नर्स दुनिया में क्यों छाए हैं? ठीक है, इन्होंने तलवार भी चलाई है, गोले भी चलाए हैं, हाँ। मगर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ना पूरी दुनिया में, इन्होंने पूरी दुनिया में एजुकेशन को फैलाया ना, पूरी दुनिया में लाइब्रेरियों का जाल बिछाए ना, तो इसलिए छाए है ना जी। इन्होंने पूरी दुनिया में फिल्में बनाई है ना जी, म्यूजिक को नया ढंग दिया ना, इसलिए छाए। अच्छा, इन्होंने अगर ये छाए हैं वेस्टर्नर्स, चलिए वेस्टर्नर्स के साथ साथ अभी हम देख रहे हैं 30-40 साल से चाइना भी छा गया है। कैसे छाया चाइना? पूरी दुनिया को कॉटेज इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स दी है ना। बिल्कुल, ठीक है ना जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे आए हैं ना। हमने देखा इसी 40-50 सालों में जापान छाया। कैसे छाया? टोयोटा पूरी दुनिया में बिकती है, होंडा पूरी दुनिया में बिकती है, ठीक है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड्स हैं वो पूरी दुनिया में बिकते हैं। तो ये है सॉफ्ट तरीके से छाना। और अब इंडिया और दोनों पाकिस्तान एक दफा बने थे, अब इंडिया छा रहा है ना? अपने प्रोडक्ट के जरिए। अब इंडिया कैसे छा गया? वो किसी ने वो मीम बनाया हुआ था कि इंडिया तो चांद पे पहुंच गया है इन रियल सेंस, और पाकिस्तान के झंडे में जो चांद का एक वो है चांद सितारे का जो एक क्रेसेंट है उस पर इंडिया का झंडा ठप गया। ठीक है ना जी। तो मतलब तो मैं ये जो पंजाबी नेशनलिज्म के जो हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि यार आपका जो आपका ख्वाब है मैं आपके साथ हूँ। आप कैसे छाएंगे आज की दुनिया में? आप ज़रा दुनिया की बेहतरीन फिल्में बनाएं, आप बेहतरीन किताबें लिखें आपके लोग, ठीक है, आपकी दुनिया में बेहतरीन बिजनेस कॉरपोरेशंस हो, आपकी दुनिया में बेहतरीन जो है फुटप्रिंट्स हो। आज के ज़माने में छाना इसी अमल का नाम है। आज के ज़माने में आप ये घोड़े से या वो मंगोलों के अंदाज से नहीं छा सकते। अगर आपने छाना है तो ये सॉफ्ट तरीके हैं, इनको बरतें। जब आप इनको बरतेंगे तो आपको वायलेंस की भी कहीं कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी, आपको अपना आप चढ़ती कलाज महसूस होगा। लो जी, 80 साढ़े बंदे ने नोबेल प्राइज़ ला लेता है। और सही बात है, मेरे को तो आज की डेट में पंजाबी कल्चर मतलब वो बुरा लगेगा लोगों को पंजाबी जो सुनेंगे, मुझे तो पंजाबी कल्चर अभी फॉर्म अचीज़मों में ही दिख रहा है। मतलब आप पंजाबी म्यूज़िक का, मुझे तो लास्ट ग्रेट राइटर बटालवी लगा ऑनेस्टली। अगर आप एक क्यूमुलेटिव पंजाबी आइडेंटिटी की बात करें, उसकी भी बात करें तो भी बटालवी के बाद हमने सच बताए हैं उस लेवल के पोइट नहीं आए हैं ना हमारे। बटालवी की डेथ के बाद तो नहीं आए हैं पंजाब में। आजकल तो उल्टा गेयर लगा है। हाँ, यानी पहले छाने वाला काम था, बुल्ले शाह से, बाबा फरीद से, बाबा नानक ग्रेट से लेके वो बटालवी तक ये अच्छा था। हम शुदाई हुए पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, शुदाई हैं हम अभी शुदाई हुए हैं। और हम उसमें एक फॉर्म अचीजमों में एक पंजाबियत पलवानी टाइप, हाँ मतलब बेवकूफों के जैसे बात करना, कोई स्कॉलरली अदब नहीं रखना, कुछ नहीं, और नुआंस नहीं रखना। और उसके बाद मेरे को, और ये मैंने एक और डिफरेंस देखा है कि पंजाबी नेशनलिज्म है ना, ये शायद क्योंकि पाकिस्तान की आइडेंटिटी में मे बी पंजाबीज आर 60% ऑफ पाकिस्तान, और इंडिया में इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स पंजाब इज अ वेरी स्मॉल स्टेट, लेट्स बी वेरी रियल। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपकी परमिशन से जरूर कहना चाहूँगा, और मुझे इसमें गर्व है, मोस्टली जो पंजाबी दुनिया में जिन्होंने अपना नाम कमाया है वो पंजाबी हिंदू और सिख हैं अपने कारोबारों की वजह से। आप अमेरिका की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके जो सीईओ और वो उस तरह के बड़े बड़े नाम उठाएंगे, उनमें से कई आपको पंजाबी नाम मिलेंगे, सारे नहीं मगर कई आपको पंजाबी नाम। बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन दुनिया में आज के समय में, कोई भी कौम, मैं पॉजिटिव मानों में कह रहा हूँ, तभी छाती है जब उसकी बिजनेस कम्युनिटी, जब उसकी साइंस कम्युनिटी, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी वो अपना आप मनवाती है। यही छाने का कॉन्सेप्ट। खाना हमारा अच्छा है, ठीक है, वो बढ़िया बढ़िया, नहीं बट वो भी बढ़िया, लेकिन फ्रैंकली पंजाबी पाकिस्तानी अपने पंजाबी खाने को वर्ल्ड वाइड एस्टेब्लिश नहीं कर सके। हमें अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में जो पंजाबी कहना पड़ता है, जो पंजाबी सब्जी जो यहाँ पे खाने हैं, हम गए हैं दो तीन में, जहाँ भी अमेरिका में भी जहाँ जाएंगे, ओन बाय मोस्टली बाय हिंदू और सिख पंजाबी। पाकिस्तानी पंजाबियों के जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें 90% आपको बेतहाशा घ्यो वाली कढ़ाई मिलेगी, तो उन्होंने खाओ तो हार्ट दे मरीज बनो। साले 2-3 दफा जरूर खानी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेट, हाँ, ये उस छोटे से पंजाब जो भारत का है, मैं उनको, मुझे ये नहीं है कि मतलब मैं कोई डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ। वहाँ के बच्चे बच्चियाँ, अब कनाडा की पार्लियामेंट में 22-23 मेंबर पार्लियामेंटेरियंस ऑफ भारतीय बैकग्राउंड बैठे हुए, अब तो शायद इससे भी बढ़ गए। ये छाने का अमल है ना, और मैं इसे छाना नहीं कहता, मैं समझता हूँ अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो दुनिया में आप अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। आप आज ये फैसला तो मैं नहीं करूँगा कि मैं पंजाबी हूँ तो मैं आगे बढ़ूँ, ये मेरी नेशनलिज्म का हिस्सा है, ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है। आप अपनी फील्ड में कॉम्पिटेंट हो, आप पंजाबी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, हिंदी स्पीकिंग हो, दुनिया आपको मानी मानेगी। बात यहाँ पे खत्म होती है जो महल तायर भाई कह रहे हैं। बिल्कुल असल नुक्ता ही जो डॉक्टर साहब, बिल्कुल। एंड आई थिंक दिस कुड बी द बेस्ट वे टू एंड दिस। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड आई पर्सनली एज अ पंजाबी बॉय आई वांट टू थैंक यू फॉर राइटिंग दिस बुक। आई एम डीपली टच्ड, वेरी मच मूव्ड, and with great humility I thank you for saying this, because it means a lot to me. I always say this, jab main baitha tha udhar literature fest mein mujhe log bol rahe the there is the Jinnah book, I was like buy this book, but if you really want to buy a book, buy this book. I always say to people, koi mujhse puche meri best kitab kaun si hai, wo Punjab wali hai. It really moved me, and Tahir bhai, thank you very much, main abhi aapke स्टूडियो को पूरा टेक ओवर कर चुका हूं, मुझे कई बार लगता है। ये पंजाबियत है, ये पंजाबियत है। सो गाइस, वी विल रैप द डिस्कशन अप। अगेन डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर इश्तियाक अहमद की बुक्स का लिंक होगा, गो एंड बाय द बुक, एंड यू कैन फॉलो हिम ऑन सोशल मीडिया, यू कैन फॉलो ताहिर भाई एंड टैग टीवी ऑन सोशल मीडिया। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, और अगर सपोर्ट कर सकते हो तो चारवाक पॉडकास्ट को सपोर्ट करो, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब करो, leave your comments. If you can support the Charvak podcast, please become a member. You can buy the merchandise. I'll see you guys next time. Until then, namaste, take care, bye.